हाय गाइस, मैं हूं विनोद कुमार। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बार्टेंडर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी थी, जिसकी वजह से मुझे लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उन्होंने पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछा कि व्हाट इज़ अ बेसिक नॉलेज, व्हाट इज़ अ अनदर नॉलेज। तो ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो बारटेंडर्स नहीं जानते कि बेसिक नॉलेज क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, एडवांस नॉलेज क्या है और प्रोडक्शन नॉलेज क्या है। तो मैं आज के वीडियो में ये चीज़ डिफाइन करूँगा और गाइड करूँगा कि नॉलेज कैसे लें और कैसे प्रैक्टिस करें। हैव यू ट्यून। बेसिक नॉलेज, अब हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज में आता है डेजिग्नेशंस। आपको पता होना चाहिए डेजिग्नेशंस क्या है, बार में डेजिग्नेशन की वैल्यू क्या होती है और क्या क्या डेजिग्नेशंस बार में होते हैं। डेजिग्नेशंस 3 टाइप्स की होती है। एक आपका होगा ऑपरेशन और बेसिक डेजिग्नेशन, दूसरी एडवांस एंड पर्सनलाइजेशन, तीसरी प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन। बेसिक और ऑपरेशन डेजिग्नेशन, इसके अंडर में सबसे पहले बार बैक, जिसे आजकल हम असिस्टेंट बारटेंडर बोलते हैं। सेकंड बारमैन और बार वूमेन। थर्ड वन बारटेंडर। फोर्थ वन बार सुपरवाइजर और बार कैप्टन। फिफ्थ वन इज बार एग्जीक्यूटिव, जो कि आजकल ही इस डेजिग्नेशन का इन्वेंट हुआ है, अदरवाइज ये 4 डेजिग्नेशन होती है। नेक्स्ट असिस्टेंट बार मैनेजर और बार मैनेजर। मैं इनको ऑपरेशन कैटेगरी में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इनका रोल एडमिन का होता है, जो कि बिहाइंड द बार ये वर्क करते हैं, लाइक मेन्यू प्लानिंग, कोस्टिंग, एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड अदर थिंग्स। बार टूल्स एंड बार इक्विपमेंट्स, इन अ बेसिक नॉलेज इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बार टूल्स और बार इक्विपमेंट्स बारटेंडर्स के फ्रेंड्स होते हैं। बार के टूल्स क्या क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं और किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़फुल है, ये नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट नेम पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को स्टेनर्स के बारे में नहीं पता, हॉर्थन स्टेनर के बारे में नहीं पता, परिशियन कॉकटेल शेकर के बारे में नहीं पता, और बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि बारटेंडर्स नहीं जानते। अंडर द बेसिक नॉलेज ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बार टूल्स और बार इक्विपमेंट्स का सही नाम, सही यूज़ और किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए, क्लीनिंग किया जाए, उसको कैसे स्टैक किया जाए, उसको कैसे सही जगह पर रखा जाए और कैसे मैनेज किया जाए, इट्स ऑल्सो कम इन अंडर बेसिक नॉलेज। बेवरेज, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑल पोर्टेबल थिंग्स विच कैन ह्यूमन बींग्स कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड इज बेवरेज। तो बेसिक वे में बेवरेज के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि अल्कोहल, जूसेस, सॉफ्ट बेवरेजेस, मिल्क, कर्ड, लाइक दिस। उसका टेस्ट, उसका वेरिएशन, उसका फ्लेवर, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक बेसिक पॉइंट भी है। इंग्रेडिएंट्स, अ पार्ट ऑफ बेवरेज, बार में हम
इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, हार्ड शेल्स, सॉफ्ट शेल्स और सॉलिड थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, हर्ब्स एंड अदर थिंग्स। तो उनके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि उसका फ्लेवर, उन सॉलिड चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अपने ड्रिंक्स में, किस तरीके से उसको सर्व करेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे। अगर आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जान पाओगे तो आप ये नहीं कर सकते। तो बेसिक वे में ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेथड एंड वर्किंग स्टैंड नॉलेज, जैसे कि बार में कॉकटेल बनती है, बेवरेज सर्व होते हैं, ड्रिंक्स प्रिपेयर की जाती है, विदाउट मेथड यू कान मेक इट। मेथड जानना बहुत ही जरूरी है, इट्स अ बेसिक वे लाइक शेकिंग मेथड, स्टरिंग मेथड, पोरिंग मेथड, फ्लेमिंग मेथड, ईटीसी। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन मेक अ कॉकटेल। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ड्रिंक्स बनाते हुए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, किस वे में उस ड्रिंक्स को प्रिपेयर किया जाएगा, जिस वजह से एक एग्जैक्ट रेसिपी आपको मालूम हो। बार एसओपी एंड बार टर्म्स। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हर बार का, हर आउटलेट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एसओपी होता है, बट बारटेंडर के लिए एक अपना भी एसओपी होता है, जैसे कि मैं पहले टॉपिक में बात कर चुका हूँ मेथड। सो एसओपी मेथड दोनों एक ही वे है। मेथड किस वे में यूज़ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वे में ड्रिंक सर्व करना, स्टैंडर्ड वे में काम करना, स्टैंडर्ड वे में बात करना, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड। टर्म्स, टर्म्स बेसिकली सिनोनिम्स ऑफ प्रोफेशनल वर्ड विच वी ऑल आर यूज इन बार नाइट। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, कॉकटेल शेकर, कॉकटेल स्टिक, कैडी, पिंच, डैश, रिमर, बिल्डअप, बिल्ड डाउन, बार एंड, बार 86, बार 68, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स टर्म्स कहलाते हैं। तो एक बारटेंडर को बेसिक वे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम अपने वर्क में और अपने ऑपरेशन में ये टर्म्स यूज़ करते हैं। ये आपको प्रोफेशनल शो करता है और बार से बिलोंग्स करता है। तो गाइस, ये थे 6 पॉइंट, डेजिग्नेशन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, बेवरेजेस, इंग्रेडिएंट्स, मेथड एंड वर्किंग स्टाइल, एसओपीज एंड टर्म्स। ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं नॉलेज के लिए, इन्हीं को ही बेसिक नॉलेज कहते हैं। आप बिगनर हो या आपको बेसिक के बारे में नहीं पता, तो आप इनके बारे में स्टडी करें, इनके बारे में नॉलेज गेन करें। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, आप इन 6 चीज़ों में परफेक्ट हैं, तो आप बेस्ट हैं, आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इन फ्यूचर एडवांस लेवल पे आसानी से जा सकते हैं। तो गाइस, मेरा मकसद ये था आपको बेसिक स्टडी के बारे में बताने का, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आप वर्कआउट करेंगे, मेरे बातों को समझेंगे, यही आशा करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आशा करता हूँ मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल हो और आप अच्छी तरह से समझ रहे हों। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।